सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप और मालदीव के बीच खूबसूरती को लेकर तुलना की जा रही है। अब मालदीव और लक्षद्वीप का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के साथ बॉयकॉट मालदीव्स भी ट्रेंड कर रहा है। अब तक कई फिल्मी हस्तियां इस विवाद पर अपनी राय दे चुकी हैं, तो वहीं अब अमिताभ बच्चन ने मालदीव और लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी और भारतीयों से इसे केंद्र शासित राज्य को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल करने की अपील की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया था कि ये मालदीव के लिए झटका होगा। सोशल मीडिया पर भारतीयों के द्वारा इस दावे से भड़के मालदीव के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के यात्रा का मजाक भी उड़ाया था और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। कई बड़ी हस्ती और यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मालदीव यात्रा रद्द कर दी है। वहीं अब अमिताभ बच्चन ने मालदीव और लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट भी शेयर किया। इसके साथ ही मामले पर अपनी राय दी है। बिग बी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सेलेब्स में से एक गिने जाते हैं। ब्लॉग राइटिंग से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक अमिताभ बच्चन हर प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। अब उन्होंने हॉट टॉपिक मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के मामले पर अपनी राय रखी है। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारत के कई अलग अलग बीच की तस्वीरें शेयर की और मालदीव के कटाक्ष को आपदा में अवसर भी बताया। सहवाग ने कहा कि भारतीय सरकार इस पूरे मामले से सबक लेते हुए भारत के टूरिज्म को बस थोड़े सुधार के साथ इकोनॉमी को जबरदस्त बढ़ावा दे सकती है। अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि वीरूपा जी, ये बहुत सही बात है और हमारी जमीन के हक में है। हमारी अपनी चीजें सबसे अच्छी हैं। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह हैं। हैरान करने वाले पानी के बीच और अंडर वाटर एक्सपीरियंस का अनुभव है। बिल्कुल अविश्वसनीय है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। वहीं वीरूपाजी का कहना है कि भारत सभी आपदाओं को अवसर में बदलने के बारे में जानता है। मालदीव के मंत्रियों के द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि वो बुनियादी ढांचे के साथ इसे टूरिस्ट के लिए आकर्षक बनाए और इकोनॉमी को बढ़ावा दे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के नेताओं के द्वारा अपमानजनक बयान देने के मामले में 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। और आपको बता दें कि मालदीव की सरकार ने इन मंत्रियों के बयान को निजी बताते हुए ये कार्रवाई की। हालांकि पीएम मोदी के द्वारा लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करने के बाद लोग इसकी तुलना मालदीव से करने लगे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने से मालदीव को नुकसान होगा। हालांकि विवाद के बीच मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने इसके उलट दावा किया है। जी हां, मालदीव की मीडिया sun.mv की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि भारत के लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों का मालदीव के पर्यटन उद्योग पर कोई अपेक्षित प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।